नमस्कार दोस्तों, उम्मीद से रेल का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, जहां पर इस समय सुमित और सुमित के साथ में इस लोग इस समय पूरी तरीका से एक्सपोज करते हुए नज़र आ रहे हैं आखिरकार दोनों माँ बेटा यानी शगुन और साथ में रौनक को। जी हाँ, क्योंकि रौनक को जिस कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है, वो हालांकि लड़की जिंदा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी सुमित और साथ में राज की। आप लोग जानते ही हैं कि शगुन ने बहुत ही चालाकी अपनाई थी और उसका बेटा पुलिस को खरीदने की कोशिश कर रहा था, जो कि मीडिया ने उसको भी एक्सपोज कर दिया। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कहानी एक नहीं बल्कि इस समय कई मायनों में बेहद ज़्यादा अलग देखने को मिल रही है। सूत्रों के हवाले से सुनने में आ रहा है कि इस समय सुमित बेहद ज़्यादा गर्म मिजाज में नज़र आ रही है। सुमित ने ये तक बोल दिया है कि अगर पुलिस वालों ने कार्रवाई नहीं करी तो हम पुलिस वालों के खिलाफ और भी कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों, वहीं बात की जाए शगुन की, तो शगुन ने बोला था कि मीत हुड्डा की तरह नहीं हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि मीत हुड्डा की तरह सुमित को कंपेयर नहीं कर रही, लेकिन इन्होंने ये नहीं पता कि ये मीत हुड्डा से भी चार चंदा आगे निकलने वाली है। जी हाँ, क्योंकि जो चाहती है उसे करने का पूर्ण रूप से दम रखती है। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि कहानी एक नहीं बल्कि समय कई मायनों में बेहद ज़्यादा अलग देखने को मिल रही है और ट्विस्ट भी एक नहीं बल्कि समय कई और भी ट्विस्ट लगातार आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली एपिसोड आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेंगे, जिसमें सुमित बोलती हुई नज़र आने वाली है कि इस रौनक को ऐसी सज़ा कटवाऊंगी कि ये सोच भी नहीं सकता। और वाकई में दोस्तों, रौनक को सज़ा दिलाने के लिए अब सुमित पीछे नहीं हटेगी। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आपने सपोर्ट।